मतलब ये बात सबके लिए है कि पिता जब अपने बच्चों को समझाता है, माँ अपने बेटे को समझाती है, तो वो क्या बोलती है, कुछ दक्षिणा दो, पैसे दो, महाराज अंत इस संगत आ योग बहन आली बहन। माँ या पिता अपने बच्चों को जब ज्ञान की बात सिखाते हैं तो क्या पैसे मांगते हैं? या बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है तुझे अच्छे से रहना, तो क्या पैसे मांगता है? तो फिर मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ, तो मैं आपको कोई अच्छी बात बताने के लिए पैसे लूंगा क्या? भाई क्या चाहिए? अगर चाहिए हमको तो सिर्फ इतना चाहिए कि मेरा परिवार खुशहाल रहे, आनंद में रहे, और ये जब हो जाएगा तो फिर अपने आप आनंद ही आनंद है। तो हमसे कई लोग बोलते हैं कि आप क्यों नहीं लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक छोटा सा विषय है, मैं अपने परिवार को अच्छी बात बता रहा हूँ, उसका पैसे कैसे ले सकता हूँ, इतनी सी बात है। अगर मैं किसी को परेशान कर रहा हूँ, भाई डॉक्टर ने इलाज किया तो डॉक्टर, कई डॉक्टर होते हैं, कई डॉक्टर होते हैं कि फ्री दवाई दे देते हैं, एक काम करो लो ये दवाई रख लो। कुछ लोग होते हैं कि एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। तो ईश्वर ने अगर हमको जो है किसी से चॉकलेट मंगाई ना भगवान जी, किसी को नहीं, ठीक है ना, अरे बच्चे हमारे है ना, वो क्या मंगाए थे इकट्ठे था, लेकिन सब तो कई लोग जैसे बोलते हैं कि मेरे पास लाखों रुपए आता है दक्षिणा में, आपको बताऊं मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे, ईश्वर ने मुझे जिस काम के लिए लगाया है, सूरज को कोई दे सकता है क्या उसका पेमेंट? मैं जिस काम को करने के लिए निकला हूं, जिस काम के लिए प्रेरणा दी ईश्वर ने, उस काम का कोई पेमेंट नहीं दे सकता है। वो अपने आप जो प्रवाह निकलता है, पानी हम लोग बॉटल खरीदते 20 रुपए का 1 लीटर, और नल चलता है तो पूरा एक ड्रम पानी बह जाता है, उसका कीमत कितना होता? हम लोग खेत में पानी डालते उसका कीमत कितना लगा सकते क्या? सोचिए आप। इसलिए ईश्वर ने हमको इतने बढ़िया काम पर लगाया है, तो हम उसको निस्वार्थ भाव से कर सकते। अब जो लोग जैसे परिवार पालने के लिए कथा करते हैं, हम उनको ये नहीं कहते कि आप मत लो, भाई आप लो, आपका काम है, मेरे को नहीं चाहिए, खत्म का, आपकी मेरी कोई लड़ाई नहीं। किसी की मजदूरी है, हमारी कोई मजदूरी नहीं, क्योंकि हमारी मजदूरी परमात्मा देता हमको। परमात्मा हमको क्या देता? आनंद, जिसको बाजार में खरीदा नहीं जा सकता। आनंद सबको चाहिए ना? चाहिए सबको। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं संसार में जो ये कहे कि मुझे दुख चाहिए। ऐसे लोग भी हैं, कहते हैं भगवान सब कुछ ले लो लेकिन मुझे सच्ची खुशी दे दो, होता ना। तो जब अपन को सच्ची खुशी मिल गई, अब क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए, इतना चाहिए कि जो खुशी मुझे मिल गई है वो मेरी माताओं को भी मिले, मेरे मित्रों को भी मिले, मेरे पिताजी को भी मिले, मेरे दोस्तों को भी मिले, मेरे बच्चों को भी मिले। जो ज्ञान मुझे मिला है, जो आनंद मुझे मिल रहा है, वो सबको मिल जाए। हम लोगों को खूब धन मिलता है, ठीक है, लेकिन अच्छे लोगों की कमी है आज भी। अच्छे विचारवान, अच्छी बातों को आचरण में लेने वाले लोग अभी कम हैं। और जब अच्छे लोग मिलते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये हमको ऐसी संपत्ति मिली है, इस संपत्ति का कोई पारावार नहीं है, है ना। तो इसलिए भाई, जो लोग व्यवसाय करते हैं या धन के लिए करते हैं, वो उनका सोचना है, हम उनको खराब कहने के लिए नहीं है। भाई मेरा काम है, आपने काम किया, ध्वज लगाया, आप लोग सब लोग थे वहाँ, बोलते कि मेरे को अभी मैं कहीं काम में जाता तो 20 रुपये मिलते इतना देर के, बोल सकते हैं लोग। भाई मैं इतनी देर के लिए जाता तो मुझे 200 रुपये मजदूरी मिल सकती थी, 300 मजदूरी मिल सकती थी, ये बोल सकते हैं। तो जो लोग ये हिसाब लगाते हैं उनको उतना ही मिल पाता है, उनने अपनी कीमत ही लगा दी कि मैं 200 का आदमी हूँ या 300 का आदमी हूँ। मैं आश्रम में रहता हूँ, बर्तन मैं साफ करता हूँ, आप उसमें यूट्यूब में धीरे धीरे देखेंगे, अभी जोड़ ले हैं, है ना, आप लोग भी। बर्तन मैं साफ करता हूँ, 100 लोग खाना खा रहे हैं तो मैं साफ करता हूँ बर्तन, किसी को कभी नहीं बोलता, कोई साथ में आ गया तो ठीक है। भोजन मैं पकाता हूँ, कोई साथ में लग गया तो अच्छी बात है।
कभी किसी को ये नहीं बोलता हूँ वो थोड़ा गिलास ठा के देना, शरीर चले या नहीं चले उसका आनंद तो अपन ले रहे हैं ना। माँ बच्चे को जब जन्म देती है तो माँ को बहुत कष्ट होता है, सबको ये बात पता है, है ना। इसके बाद भी उसके पास कोई एक ऐसा आनंद होता है जिसके कारण उस कष्ट को भी सहती है। वो कष्ट के बाद भी कौन सा आनंद है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे माँ कहेगा, है ना। और उस जब माँ जैसे ही कहेगा बच्चा, तो पहली किलकारी में सारे दर्द माँ भूल गई। जहाँ उसने पहली किलकारी ली तो माँ सारा दर्द भूल जाती है। इसी तरीके से पिता है, पिता को भी जो है, पिता सिर्फ देख के आनंदित होता है संतान को, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो देख रहा है कि मेरा बेटा खुश है, मेरी बेटी खुश है, तो वो इतने में जो है। अब परिवार चलाने के लिए पिता झूठ भी बोलता है। भाई देखिए, हम गृहस्थ से निकले इसलिए हम बता रहे हैं, हम गृहस्थ से निकले इसलिए हमको मालूम है कि झूठ भी बोलना पड़ता परिवार चलाने के लिए, ठीक है ना। सही तो ठीक है, जितना हो जाए तो अच्छी बात है। तो जिस परिवार के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, सत्य भी होता है साथ में, कष्ट भी सहने पड़ते हैं, अपने कपड़े फटे हैं लेकिन बच्चों को अच्छे कपड़े देने। माँ यही करती है कि अपने लिए साड़ी नहीं ले रही है, अपने लिए ब्लाउज नहीं ले रही है, बेटी के लिए बोले बेटी एक ड्रेस तू ले ले, है ना। पिता यही करता है। तो माता पिता आई दोनों लोग मिल करके अपनी संतानों को कितना आनंद देना चाहते हैं। अरे नहीं, पंखे की कोई जरूरत नहीं, नहीं। है ना आपके पास, दूसरों को क्या करने, तुम्हारे को छोना। तो माता पिता कितना कष्ट सह करके और अपने बच्चों को आनंद देना चाहते हैं। अब जो बच्चा लेना चाहे तो ले ले, अब जिसको ऊपर वाले ने ही ब्रेक कर दिया है, अब जिसके कहते हैं ना भाग्य में ही नहीं है। अब ये देखिए, आप लोग जो आए हैं यहाँ, वो गंगा खेड़ उस व्यक्ति ने रोक के रखा, उसके कारण ये टाइम हम लोगों को मिल गया, नहीं तो अभी तक हमको उधर पहुंच जाना था। अभी वो कितने टाइम आएगा क्या है अभी तक कुछ पता नहीं, भैया इस पर रख दीजिए, है ना। अब आप सोचो माध्यम कौन बन रहा, वो व्यक्ति, क्योंकि उसने जिस हृदय से चाहा, स्वामी जी आपको मेरे को मिलने की बहुत इच्छा आपसे, तो वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो एक निमित्त बन गया, और उसका आनंद तो हमको ही मिल रहा, आपको ही मिल रहा। अभी आपने पूजा के लिए बताया कि हम पूजा करते करते जो है, पूजा करते है ना, तो जीवन की असली पूजा यही है कि जब जिस चीज़ की सही जरूरत हो उस चीज़ पर लग जाओ, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं। पूजा देखिए, हम लोग क्या लगता है सिर्फ अगरबत्ती जलाना पूजा है क्या? सिर्फ अगरबत्ती जलाना पूजा नहीं है। अब खेत में किसान है, अब किसान मान लो अगरबत्ती नहीं जला पाए तो क्या वो पूजा नहीं कर रहा है? उसने बैलों को टाइम पर भोजन करा दिया, बैलों को टाइम पर पानी पिला दिया और बोल रहा भगवान मेरे बैलों को थोड़ा छाया दे दो, धूप लग रही है, ये हो गई पूजा। पूजा को हम लोगों ने भटका दिया। पूजा को अगरबत्ती जलाना गलत नहीं है, आप करो, दीपक जलाना गलत नहीं है, चंदन लगाना गलत नहीं, सब करो, लेकिन सिर्फ उतना ही मत करो। हमने आज दीपक जला दिया, हो गई पूजा, अरे दरवाजे पे कोई आया है उसको एक गिलास पानी दे दो। आपके पास भोजन नहीं है, आपके पास गुड़ शक्कर नहीं है, बोलो भैया ये लो पानी है मेरे पास, पानी पी लो आप। उसकी दुआओं से आप एक गिलास पानी की दुआ आप समझ नहीं सकते कितनी ताकत है उसकी दुआओं में। इसलिए और गृहिणी माताएं तो अतिथि सत्कार में सबसे ऊपर रहती हैं। कई बार पति पत्नी की नहीं बैठती पटरी, पत्नी चाह रही है कि मैं भोजन करा दूं, पति कह रहा नहीं कराना है। कई बार पति कह रहा भोजन करा दूं, पत्नी कह रही नहीं कराना, कोई दिक्कत नहीं, लड़ना नहीं है, दोनों को तालमेल करके कोई आए तो हमारे पास से जो भी हमारी सेवा हो सकती। भाई अगर पति कह रहा है पैसे नहीं खर्च करना है तो पानी पिला दो, तो पति का भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया। लड़के कभी काम नहीं करना,
दान पुण्य में भी यदि लग रहा है कि मेरे पास में कुछ है तो पहले तो पति से पूछ के दान करें, नियम तो ये है। अगर पति कह रहा नहीं देना तो नहीं देना। लेकिन अब मान के चलिए कोई कुसंग वाला व्यक्ति है, ऐसा पति है जिसकी बुद्धि में थोड़ा दोष आ गया है किसी कारण से। पति अगर अच्छा होगा तो वो तो नुकसान नहीं करेगा पत्नी का, लेकिन बुद्धि बीमार है मान लीजिए या नशे करता है, कई बातें होती हैं। उस स्थिति में ये पत्नी की जिम्मेदारी बनती है कि मुझे इसके लिए पुण्यार्जन करना है। करना तो पड़ेगा ना, तो पुण्यार्जन करना है। तो अगर मान के चलिए पत्नी पढ़ी लिखी है तो दो चार बच्चों को वो फ्री में पढ़ाए। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि ज्ञान दान से जीवन बदलता है। आपसे हम जितनी बात कर रहे हैं ये किताब में तो नहीं मिलेंगी, लेकिन किताब से ज़्यादा उपयोगी हैं ज्ञान दान। इसके बाद में अन्नदान। भूखे व्यक्ति को ज्ञान से मतलब नहीं, फिर भूख लगी उसको और उसको खूब अच्छी बात बताई जाए तो कहेगा बाबा जी ये अपना ज्ञान अपने पास रखो, मेरे को तो भूख लगी है। तो सबसे पहला होता है लेकिन ज्ञान दान, ज्ञान से जीवन बदलता है। दूसरा, भूख लगी है तो भोजन ही चाहिए, फिर चाहे वो सूखा रूखा हो, फिर चाहे दूध मलाई हो और चाहे खिचड़ी हो, है ना। बोले एक काम करो चावल थोड़ा सा गीला करके नमक डाल दो, पेट तो भर जाएगा। इसके बाद में जो होता है वस्त्रदान, लेकिन सबसे नंबर वन में है ज्ञान दान। इन बच्चों को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। अभी बच्चे छोटे हैं, इनको बताना पड़ेगा बेटा अच्छे से पढ़ना है, मम्मी पापा के पैर पढ़ने हैं रोज़ सुबह उठ के, चाय नहीं पीना है, दूध पीना है ना। चाय पीते हो? हाँ, नहीं पीना चाय। देखो हम नहीं पीते चाय, है ना। ये सब चीज़ें इनको ये किताबों में नहीं मिलेंगी, ये चीज़ें किताबों में क्यों मिलेंगी भाई। अब धीरे धीरे जो है किसी ने जोड़ दिया किसी ने घटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी जो ज़रूरत है वो बहुत महत्वपूर्ण। आज संस्कार ख़त्म हो रहे हैं, बेटा बाप से बात करता है तो उसको बात करने का तरीका नहीं मालूम है। कई पिता हैं तो बेटे से बात करते हैं तो उनको तरीका नहीं मालूम है। तो जब तक बहुत तरीके से समन्वय नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, है ना, खूब प्रेम होगा, खूब समर्पण होगा, तो निश्चित रूप से जो है उसके संस्कारों में आनंद आएगा। देख के आपको लोग देख करके सीखें भाई। मान के चलिए मेरे अगर आचरण अच्छे होंगे तो आप 10 लोगों से कहोगे यार ये वाले बाबा जी ठीक थे। यदि मेरे आचरण अच्छे नहीं होंगे तो बोले यार ये कैसे बाबा जी आ गए यार, ये इनमें कौन से गुण हैं जो बाबा जी के हैं, है ना। तो हमारे जो आचरण होते हैं वो संदेश देते हैं। फिर कई बार क्या होता है लोग 10 साल से साथ में रह रहे नहीं पहचान पाते व्यक्ति को, और कोई व्यक्ति होता है वो 2 मिनट में उससे मिला बोले यार नहीं ये है सिलेक्टेड। आपकी जौहरी वाली नज़र होनी चाहिए, पारखी नज़र जिसको बोलते हैं। और यहाँ तो आप लोग सब अनुभवी लोग हैं, तो हम तो बस यही निवेदन करते हैं, अपन हम कोई बहुत ज्ञानी नहीं हैं, हम भी तो आपके बच्चे ही हैं, ठीक है ना। हम जो है आपके बच्चे ही हैं, बस ये है कि जो समाज ने जो ज्ञान दिया, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु होता है समाज, वही सिखाता है, वही डांटता है, वही सम्मान भी देता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका सहयोगी कौन है? जो दुश्मन है वही सहयोगी भी है भाई। एक पार्ट समाज का सहयोगी नहीं है, लेकिन जो आपके साथ 2 लोग भी खड़े हैं वो भी समाज ही हैं। तो समाज ही सहयोग करता है और समाज ही विरोध करता है। तो हमको दुखी नहीं होना है, सबके लिए है बात कि दुखी होकर काम नहीं करना, मुझे तो अपना काम करना है। हम अपने बच्चे को पालते हैं तो ये सोच करके पालते हैं कि मैं तो अपना काम करूं, अब इसकी जो मर्जी होगा वो करेगा नहीं करेगा वो जाने, करेगा तो बहुत अच्छी बात है और नहीं करेगा तो उसका हिसाब किताब। ईश्वर कहते हैं ना कि तेरा बेटा भी ऐसे ही करेगा तेरे साथ, अपन बोल देते हैं ना कई बार कि भाई तूने मेरे साथ जो किया तेरे बच्चे भी तेरे साथ ऐसे ही करेंगे, तो अपन को श्राप भी नहीं देना है, ये श्राप हो जाता है। बस इतना है भैया तू जो कर ईश्वर देख रहा है, मुझे तो अच्छा ही करना है तेरे साथ, मैं फिर भी अच्छा करूँगा।
और जब अपन ये करते हैं तो अपन आनंदित होते हैं, दूसरे की किस्मत में नहीं आनंद तो क्या करेंगे। हमको अपने आनंद को पुनः, अपना जो हिस्सा है, बैंक से पैसा किसका निकाल सकते हैं अपन, अपने खाते का। तो अपने खाते में इतना आनंद जमा कर दें, हम लोग 24 घंटे आनंद में रहते हैं। और उस आनंद को हमने आपसे कहा कि धन से नहीं खरीदा जा सकता, किसी सामान के बदले में नहीं मिलेगा, किसी दुकानदार के पास नहीं मिलेगा, लेकिन किसके पास मिल जाए ये पता नहीं है। अचानक आनंद की वर्षा होने लगे और हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हमको अचानक जो है महाराष्ट्र की इस धरती पर परभणी जिले में है ना, इतना बढ़िया जो है ब्रह्मवाकड़ी है ना, जिसका नाम ही ब्रह्मवाकड़ी है, कहीं ना कहीं महाराज चार चतुर्मास करे तो भाई उन्हीं की देखिए हम भी तपस्वी लोग हैं, वो भी तपस्वी थे, तो उनकी तपस्या ने जो है एक तपस्वी को बुला लिया, बस इतनी सी बात है। हम लोग जो हैं, हमारा सौभाग्य उनकी तपस्या से भाई एक मैग्नेटिक, अपन जो बात कर रहे थे, एक चुंबकत्व होता, किसको बुलाया जाएगा, किसको खींचा जाएगा और कितनी देर, हर व्यक्ति की एक टाइम फिक्स है वर्किंग की। भाई हम लोग देखिए दो लोग साथ में आए, हम त्यागी जी के बच्चे हैं, हम सीधे सादे सच्चे हैं, हम सीधे सादे सच्चे हैं, नहीं